अगले 24 घंटे में यह तय हो जाएगा कि किसके पास कितनी ताकत है। पिछले 24 घंटों में जो हुआ खेल केवल उतना ही नहीं था, अगले 24 घंटों में जो होगा उससे ज्यादा मायने रखने वाला है। ये तीन तस्वीरें आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यही इस खेल की टाइमलाइन है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। अजीत पवार का पार्टी कार्यालय 4000 स्क्वायर फीट का है। बंगला हर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अजीत पवार ने दावा किया है कि एनसीपी पार्टी उन्हीं की है, चुनाव चिन्ह भी उन्हीं का है और उसके बाद उनके एनसीपी गुट को जो है नया दफ्तर मिला है। बिल्कुल नरीमन पॉइंट इलाका है, काफी प्राइम लोकेशन है और ठीक मंत्रालय के सामने। ये फाइव इसका पहला पुराना नाम था, अब प्रतापगढ़ इसका नाम रखा है। तो प्रतापगढ़ का ये जो बंगला है ये एनसीपी अजीत पवार गुट का पार्टी का मुख्यालय होगा और मंगलवार दोपहर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस बंगले के अंदर, इस दफ्तर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। ये मंत्रियों का पहले निवास हुआ करता था, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में केसी पाडवी कांग्रेस के मंत्री थे आदिवासी, उनको ये बंगला अलॉट हुआ था और उसके बाद जो अभी नेता विपक्ष है अंबादास दानवे वो कुछ समय यहाँ पर रहे। आप देख सकते हैं कि पुराने जो लोग यहाँ पर रहे, जो नेता यहाँ पर रहे, उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। तो काफी ये बंगला स्पेसियस है, ये दफ्तर काफी बड़ा होगा, करीबन 4000 स्क्वायर फीट का ये जो है बंगलो है। प्रतापगढ़ इसका नाम है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए सामने ये दो कैबिन यहाँ पर बनी हुई है, उसके अलावा एक कैबिन यहाँ पर भी है, यानी कि सामने ही तीन कैबिन यहाँ पर बनी हुई है। जो भी नेता या मंत्री यहाँ पर बैठेंगे वो लोगों को, जो विजिटर्स आएंगे यहाँ पर अटेंड करेंगे। उसके बाद अंदर ये जो कमरा बना हुआ है उसके साथ ही यहाँ पर दूसरा और एक कमरा है, यानी कि ये दो कमरे यहाँ पर हो गए। ये देखिए बहुत बड़ा कमरा है यहाँ पर, जहाँ पर लोग जो नेता है वो बैठ सकेंगे, जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक कमरा है, तो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आएंगे वो अलग अलग अपने नेताओं से मिल सकेंगे, अपने अपने अलग मंत्रियों से मिल सकेंगे, क्योंकि मंत्रियों के बंगले इसी नरीमन पॉइंट इलाके में है और लोगों को ज्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े, क्योंकि मंत्रालय में कभी मंत्री बैठते हैं तो कभी उनके घर पर होते हैं तो कभी दफ्तर पर होते हैं, तो ऐसे में लोगों को काफी चक्कर काटने पड़ते हैं इधर से उधर, उनको तकलीफ ना हो इसलिए ख्याल रखा गया है कि ये बंगला मंत्रालय के बिल्कुल पास ही लिया जाए और इसको दफ्तर बनाया जाए। और ये बंगला उनको अलॉट कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, करीबन 4000 स्क्वायर फीट का ये बंगलो है। अजीत पवार ने पार्टी का नया कार्यालय मंत्रालय के सामने A5 नंबर बंगले को बनाया है। खास बात यह है कि ये कार्यालय बाला साहेब भवन यानी सीएम शिंदे की शिवसेना के कार्यालय के बगल में है। मंगलवार को यहाँ पर इस ऑफिस का ओपनिंग होने जा रहा है। आदरणीय अजीत दादा उप मुख्यमंत्री की शपथ कल ही ली, उनके साथ में 8 मंत्री लोगों ने भी शपथ ली और आज ही इतने जल्दी ये निर्णय लिया गया ताकि आने वाले समय में जो लोगों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मंत्रालय सामने ही है और मंत्रालय के सामने ही हमारा कार्यालय है। इसके पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई थी A10 पे हमारा कार्यालय था, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता लोगों ने ऐसा सोच के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जिसके कारण लोगों को यहाँ आने के बाद मंत्रालय जाने की सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर यह कार्यालय लिया गया है। वही एनसीपी की तरफ से अजीत पवार समेत 9 विधायकों की अयोग्यता को लेकर एक चिट्ठी विधानसभा स्पीकर को लिखी गई है। इस पर स्पीकर राहुल नार्वेकर का कहना है कि हर कानूनी पहलू को समझकर फैसला लेंगे। शिवसेना के बागी 16 एमएलए की याचिका भी उन्हीं के पास है। पात्रता की याचिका की प्रत प्राप्त हुई है, उस याचिका के ऊपर जो कानूनी प्राविधान है वो सब का पालन हुआ है क्या, वो सीपीसी से मीट होते है क्या, मेरिट्स पे मीट होते हैं क्या, इन सब विषयों की जांच करने के बाद इसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाएगा, उसकी एडमिसिबिलिटी चेक की जाएगी और फिर हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। एनसीपी में जारी उठापटक के बीच पार्टी सुप्रीमो शरद पवार मुंबई पहुंच गए हैं। अब से ठीक 24 घंटे बाद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी में हुई बगावत के बाद शरद पवार ने नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में शामिल नेताओं और पदाधिकारियों को अपने साथ एफिडेविट लेकर आना होगा। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने बागियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शरद पवार ने सोमवार को सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बेटी सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद पवार ने अपना फैसला सुना दिया। शरद पवार के फैसले के तुरंत बाद भतीजे अजीत पवार ने भी अपनी ताकत दिखाई और अजीत पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी।
उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी दी है। अजीत पवार के इस कदम से अब पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। इस पर अजीत पवार गुट के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं, यानी अब बगावत नहीं पार्टी पर कब्जे की लड़ाई होगी। इससे पहले शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए 3 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया। मीटिंग बुलाई है सारे पदाधिकारी को। दूसरी तरफ साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और सिंबल किसी की भी नहीं हो सकती, वो मेरी है और मेरी रहेगी। क्योंकि ये पार्टी खड़ी करने में सबसे ज़्यादा खून पसीना अगर किसी ने बहाया है तो वो शरद पवार जी है। पिछले 25 साल में जितना भी इन लोगों ने पाया है, खुर्ची पाई है, इज्जत पाई है, नाम पाया है, उसके पीछे एक ही नाम है, शरद पवार। शरद पवार अगर नहीं होते तो ये इनको कहाँ से इतनी शोहरत पर इज्जत आती। जो दिया है सामने दिया है। एनसीपी में लंबे समय से चल रही इस खींचतान में आखिरकार अजीत पवार ने वो कर दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अजीत पवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया है। इस पर सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि अजीत पवार महाराष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी शिवसेना की सरकार के साथ आए हैं। हम लोगों ने जो शुरुआत की बाला साहेब ठाकरे जी के विचार और भूमिका को लेकर आगे बढ़े और अभी जब भी हमें केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट किया क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित भाई ने हमें सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने सपोर्ट किया। अभी अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है तो उन्होंने विकास को साथ दिया है और हमने हमारी भूमिका हमने बदली नहीं है। हम जो विकास की भूमिका है उसे आगे लेके जाएंगे। पवार की बगावत के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे के बीच पावर गेम शुरू हो चुका है। चाचा शरद पवार जहां शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भतीजा अजीत पवार पार्टी पर कब्जे का दावा ठोक रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।